नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र खेमरिया स्वागत करता हूं आपका श्री धनरगो सरकार 1008 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूट्यूब पर श्री धनरगो सरकार 1008 सर्च करें और धनरगो सरकार की अपडेट पाएं। फेसबुक पर अपडेट पाने के लिए आप पेज को लाइक करें धनरगो सरकार करंट अपडेट। धरती पर आई ये प्यारी सी आवाज, जय हो आपकी श्री कौशिक जी महाराज, श्री कौशिक जी महाराज। भगवान जी की धरती बड़ी प्यारी लागे, नई नारी लागे, सोनी फसल हुआ सभी विद्यार्थी ताली बजा लो। भगवान जी की धरती बड़ी प्यारी लागे, नारी नारी लागे, सोनी फसल हुआ की सोहा प्यारी प्यारी लागे, सोहा प्यारी प्यारी सीतारा हिंद जिले में इस खून बने सब जग में है रोहला, हिंद जिले में इस खून बने सब जग में है रोहला। किस बात का? जिनके लली की आस नहीं थी, अरे जिनके लली की आस नहीं थी, उनके है दो लल्ला, हाँ हाँ उनके है दो लल्ला। महाराज जी के हाथ की भभूति लागे, हर भभूति लागे, ओह कटोरिया की सोहा न्यारी न्यारी लागे, ओह कटोरिया की सोहा न्यारी न्यारी लागे। जय हो पवन पुत्र हनुमान, जय हो पवन पुत्र हनुमान, तुम हो देवों में बलवान, तुम हो देवों में बलवान, तुम पे पूजे सारा जहान, तुम पे पूजे सारा जहान। हनुमान जी की छोटी बड़ी प्यारी लागे, न्यारी न्यारी लागे, बलवा की शोभा न्यारी न्यारी लागे। में है बजरंगी गिनती सबकी सुनते, सखी रूप में है बजरंगी गिनती। मंगलाचरण है ये व्यास जी का मंगलाचरण, तीन श्लोकों में। शुरू शुरू में भागवत शुरू हुआ, सबसे पहले मंगलाचरण जन्मांद्यस्य तन्वयात्, यहाँ से शुरू ये श्लोक जड़ है। दूसरा धर्म प्रोजित, ये श्लोक वृक्ष है। तीसरा श्लोक निगम कल्प तरूर कल्पतम, ये फल है, ये फल है। निगम कल्प तरूर गलतम फलम सुख मुखाद मृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम हुरो रसका भुव भाव को। जे निगम कहते हैं वेद के लिए, वेद रूपी कल्प रसका ये भागवत महापुराण एक फल है, पका हुआ है, अपने आप गिरा हुआ है, तोते की चोंच लगी हुई है। अमृत संयुक्त फल है तो तरक किया, क्या इसमें गुठली छिलका भी है? नहीं, न गुठली न छिलका है, तो उसका खजाना है। इसको पीते रहो जो लेन हो जाए, तो इसको जो है पीते रहो। ऐसे ही भागवतम व्यास जी ने
वैसे दोनों ग्रंथ शंकर जी के बनाए हुए हैं, रामचरितमानस भागवत दोनों एक ही है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र ग्रंथन को रस, ये भवरों की दवा। निगम कल्प तो करोड़ कल्पतम फलम, ये भवरों की दवा। तो हमारे शास्त्री जी आपको बड़ी सुंदर बड़े तरीके से आपको दवा पिला रहे हैं, बड़े प्रेम से आप इस दवा को पी रहे हैं। गारंटी है निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा इससे, क्योंकि जन्म मरण समम दुखन भूतोन भविष्यति। लेकिन गारंटी एक बात की है, परहेज करते रहना। डॉक्टरों के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते दवा बहुत अच्छी है, तत्काल लाभ होगा, ले परहेज की गारंटी तुम्हारी है, परहेज नहीं करो तो भाई कोई गारंटी। तो परहेज कर सका, परहेज संयम, तीन बार ध्यान रखना, संयम से रहें, आचार विचार अच्छे रखें और खान पान अच्छा, ये परहेज है। जब से भगवान है तब से ये पुनः संसार सागर से पार नहीं हो पाया अभी तक। ये क्या है, जब तब से बोलो तो भगवान तब से अपन अभी संसार में डरे हुए हैं, तो इसकी दवा तो अपन भूख आ रहे हैं, परहेज नहीं कर। जन्म मरण समम दुखम न भूतो न भविष्यति, जन्म मरण समय तो होता ही नहीं है कभी भूत भविष्य, जन्मत मरत दुसह दुख होई, इसको भुगतते आ रहे। तो ये वास्तव में भवरों की दवा है, लेकिन खान पान अच्छा रखे, नहीं मौत के तीन दलाल बीड़ी सिगरेट और शराब ये खाते रहोगे तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए अदृढ़ हतम ज्ञानम प्रमाणी हतम श्रोतम, संदिग्ध हो तो मंत्र है, विघ्न चित्त हतम जप, अधूरा ज्ञान टिकता नहीं है। तुम्हारा तन यहाँ हो कि मन घर में हो, तन साथ मन को भी रखो एकाग्र बिल्कुल, कि क्या हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं। और प्रमाद ने हतम श्रोतम प्रमाण सुना हुआ, तुम भोजन जाना करके आए हो, नींद आ रही थोड़ी थोड़ी, को सुना जाए सुना जाए कैसे लाभ होगा, या संदेह हो पता नहीं सच्चे के सर, नहीं नहीं जो कहा जा रहा है पुराणों की बात वेदों की बात सत्य है, असत्य नहीं हो सकती, ये तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं वेद पुराण। तो जो भी कहा सत्य और लगन से विग्र चित्तो हतम जप है, चित्त को सही रखे तो इसका पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो तनबंधन के ये सब डाकू बीड़ी सिगरेट और तमाक, ये तनबंधन की डाकू है। तो ये परहेज तो करना बहुत जरूरी, परहेज करते रहो। हमारी बहुत सी माता बहने हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहती है, ना हनुमान जी का पाठ करना चाहती, पूजा करना चाहती, माता बहने से ऐसा भ्रम भर दिया है लोगों ने, विद्वानों ने, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, पूजा करने से रुष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहीं पाठ करने लगे तो माताएं हनुमान जी छुड़ा लेती हैं, तो पागल हो जाओगे। हनुमान जी पागल नहीं करते, हनुमान जी पागलों खोलते, हनुमान जी की पूजा की छूट कर दी है सब लोगों के लिए, माता बहनों की छूट, सबको बुद्धि चाहिए, सबको विद्या चाहिए, सबको सत कौन देता है, हनुमान जी गोस्वामी जी को स्वयं दी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो क्लेश विकार, विकार हरण करते हैं, क्लेश हरण करते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, शक्ति देते हैं, हनुमान जी किसको नहीं है, सबको चाहिए। हनुमान चालीसा प्रमाण छूट दे दी, जो सतवार पाठ करे कोई, जो सतवार पाठ करे कोई, कोई कर सकता है, छोटी बच्चियां कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं। हनुमान जी ने छूट दे दी, गोस्वामी ने हनुमान जी के नाम के लिए कभी भी जप सकते हैं, माता बहन जप सकते हैं। तत्वार्थ रामायण में तो हनुमान जी भी राशियों ने की है, राशियों ने, इसलिए पूजा करना कौन सा दूर, ददरगुआ के हनुमान जी तो सबने दर्शन किए हैं, सभी लोग जाते ही हैं, यहाँ के क्षेत्र कई लोग जाते हैं, माता बहनें जाती हैं। हनुमान जी की क्या विशेषता है, ददरगुआ हनुमान जी की, ददरगुआ हनुमान जी की दो विशेषता है, विशेष रूप से ददरगुआ के हनुमान जी, एक तो डॉक्टर हनुमान जी हैं,
आदि वैद्य हैं, यहाँ देवताओं के वैद्य दर्शन करने आते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं हमारे, और वो सबकी नब्ज देखते हैं, चाहे कैंसर का रोगी हो, चाहे ट्यूमर का हो, चाहे बीपी हाई हो, चाहे डायबिटीज हो, या श्वास की बीमारी हो, चाहे कोड़ी हो, सबका उपचार करते हैं। वहां की कहावत है, धन रहुआ जाता है पर धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन हो जाता है।